ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। बात कर रहे हैं पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की। अच्छी खासी नौकरी थी, छतरपुर जिले के लौकुश नगर में एसडीएम के पद पर पदस्थ थी मैडम, और अचानक उन्हें राजनीति का कीड़ा काट गया। और फिर क्या था, क्या क्या जतन न किए इस्तीफा मंजूर करवाने को। न्याय यात्रा निकाली, पुलिस से झूमा झटकी भी हुई, कपड़े भी फटे, जेल भी जाना पड़ा, और यहां तक कि कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा, तब जाकर मैडम का इस्तीफा मंजूर हुआ था। और अब सरकारी नौकरी छोड़ राजनीति में आने वाली मध्य प्रदेश की पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का कुछ ही महीनों में राजनीति से मोह भंग हो गया है। फिर से सरकारी नौकरी करना चाहती हैं मैडम। निशा बांगरे ने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए डिप्टी कलेक्टर पद छोड़ा था, लेकिन अब वह फिर सरकारी नौकरी में आना चाहती है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव का टिकट न मिलने के बाद उनका राजनीति से अब मोह भंग हो गया है। उन्होंने शासन से अपना पद वापस मांगा है। निशा ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें डिप्टी कलेक्टर का पद वापस दिया जाए। बता दें कि इस्तीफा स्वीकार कराने के लिए निशा बांगरे ने मौजूदा शिवराज सरकार के सामने बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया था। बैतूल से भोपाल तक पद यात्रा निकाली थी। इस दौरान भोपाल के एमपी नगर स्थित बोर्ड ऑफिस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास पुलिस से नोकझोंक भी हुई थी, जिसमें निशा के कपड़े भी फट गए थे और इसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। सही समय पर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ और कांग्रेस ने बैतूल की आमला सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया था। इसके बाद निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार हुआ था। हाल ही में निशा बांगरे को कांग्रेस ने प्रदेश प्रवक्ता बनाया था, लेकिन अब निशा बांगरे फिर सरकारी नौकरी में जाना चाहती हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद उन्हें लोकसभा में प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन ये उम्मीद भी पूरी नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि क्या निशा को उनकी नौकरी वापस मिल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आशीष पांडे कहते हैं कि प्रशासनिक सेवाओं में जब भी कोई अधिकारी इस्तीफा देता है तो उसके पास एक तय समय सीमा वापसी करने का मौका रहता है। अगर एक बार सरकार इस्तीफे को स्वीकार कर लेती है तो फिर वापसी संभव नहीं हो पाती। निशा ने करीब 6 माह गुजरने के बाद दोबारा सरकारी नौकरी में वापसी के लिए आवेदन किया है। उनका इस्तीफा राज्य सरकार द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था। ऐसे में वापसी उनकी मुश्किल ही बताई जा रही है। जानकारों का यह भी मानना है कि ऐसे मामलों में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी कोर्ट नहीं जा सकता। अगर वो कोर्ट जाता है तो ज्यादा से ज्यादा नियमों पर गौर किया जा सकता है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी की सरकारी नौकरी में वापसी होगी या नहीं, यह सरकार पर निर्भर है। अगर राज्य सरकार चाहे तो उनकी वापसी करा सकती है, यह सरकार के पास अधिकार होता है। तो पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को उनकी नौकरी मिल पाती है नहीं, उनकी प्रशासनिक सेवा में वापसी होती है नहीं, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। जुड़े रहिए सभी बड़ी सियासी खबरों के लिए बुंदेली दर्पण के साथ। दीजिए मुझे यानी राजन सिंह को इजाजत। नमस्कार।